प्रियंका चहर चौधरी के खिलाफ उठ रहे ऐसे सवाल। वेल, दो ही दिन बचे हैं बिग बॉस सीजन 16 के ग्रैंड फिनाले के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बातों से कहीं ना कहीं लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में एक बात को डालने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका को भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, अर्चना को भी मिल रहा है, शालीन को भी मिल रहा है, एमसी स्टेनशिव सभी को सपोर्ट मिल रहा है। लोग जिनकी जिनकी फील्ड वाले हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सवाल अगर उठाने की बात आएगी तो लोग प्रियंका पर ही सवाल उठाएंगे कि देखो टीवी वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर प्रियंका के लिए कोई ट्वीट कर देगा कोई टीवी वाला या फिर एक्स कंटेस्टेंट कर देगा तो वो पेड है, वो पीआर है, उसको पैसा मिला, उसने पैसा खाया है इसलिए सपोर्ट कर रहा है। ये चीज़ प्रियंका के लिए बोली जा रही है, लेकिन उसी जगह पर अगर कोई रैपर एमसी स्टैन को सपोर्ट करता है तो लोग ये नहीं बोलते हैं कि वो पेड होगा। अगर शिव ठाकरे को कोई पॉलिटिशियंस या फिर एमटीवी वाले सपोर्ट करते हैं या बिग बॉस मराठी वाले सपोर्ट करते हैं तब कोई ये बिल्कुल नहीं बोलेगा कि उनको भी पेड होंगे, वो भी पैसा ले रहे होंगे सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ प्रियंका के लिए ही सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्यों, इतना ज़्यादा लोग ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है हर इंसान अपनी फील्ड वालों को ही सपोर्ट करेगा। प्रियंका चहर चौधरी टेलीविज़न इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, काफ़ी काम किया है, उड़ारिया सीरियल में काम किया, और उसके बाद यहाँ पर सरगुन मेहता ने अगर उनको सपोर्ट कर दिया तो क्या गलत कर दिया? लोग सवाल उनके ऊपर उठा रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं कि अरे ये तो इसको सपोर्ट कर रही है, चैनल वाली है प्रियंका, तो प्रियंका को अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगी तो वो किसको करेंगी, आप ही बता दो। अब यहाँ पर प्रियंका ने सरगुन मेहता और रवि दुबे का शो कर रखा है उड़ारिया, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट उसको ही मिलेगा, प्रियंका को ही मिलेगा, एमसी स्टैन को तो सपोर्ट नहीं मिल जाएगा। जैसे कि अगर कोई रैपर एमसी स्टैन को सपोर्ट करते करते छोड़ दे, प्रियंका को करने लगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है एक रैपर यहाँ पर सपोर्ट करेगा एमसी स्टैन को, बिग बॉस मराठी वाले कुछ लोग सपोर्ट करेंगे किसको, शिव ठाकरे को। तो अलग अलग यहाँ पर सबकी फील्ड है, अपनी फील्ड वाले लोग अपने फेवरेट को सपोर्ट करेंगे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रही बात यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जनता 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 की जो चॉइस है शिव ठाकरे हो और एमसी स्टैन है, देखिए जनता की चॉइस ये पांचों ही कंटेस्टेंट है इस वजह से यहाँ तक के पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पोल भी हुआ था जो कि जियो टीवी की तरफ से कराया गया था, यहाँ पर कौन सा कंटेस्टेंट को देखते हो आप एज अ विनर, उसमें चार कंटेस्टेंट के नाम थे प्रियंका, शिव, एमसी स्टैन, अर्चना। यहाँ पर 37,092 कुछ वोट्स हुए हैं जिसमें 50% वोट मिले हैं प्रियंका चहर चौधरी को, यहाँ पर शिव ठाकरे को 34% वोट मिले, एमसी स्टैन को 12% और अर्चना को मिले हैं 2.5%। तो इतने यहाँ पर इनको वोट मिले हैं जो कि साफ तौर पर दिख रहा है जनता का क्या रिजल्ट है, वो चीज़ें दिख रही हैं। बाकायदा आप लोग वोट करिए, ये सारे पोल हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके के सवाल उठाए नहीं जाना चाहिए क्योंकि हर फील्ड वाले अपने अपने फील्ड वालों को ही सपोर्ट करेंगे, किसी और को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रियंका को उनके फील्ड वाले सपोर्ट करते हैं तो सवाल ये उठाया जाता है कि वो पेड है, तो ये तो चीज़ बिल्कुल गलत है ना। अगर आपके फील्ड वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सपोर्ट है, लेकिन प्रियंका के फील्ड वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो पेड है, तो ये कहाँ की इंसाफी हुई, आप ही बताइए। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।